हेलो स्टूडेंट, तो रमन सर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोगों की ये जो क्लास है, वैसे तो एक दिन मैं पहले भी ले चुका था, लेकिन कुछ सेव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, इस वजह से ये क्लास मुझे दोबारा लेनी पड़ रही है। ये लेक्चर नंबर 29 जो हमारा लाइटनिंग अरेस्टर था, बच्चे कह भी रहे थे सर नहीं हुआ, तो सोचा क्यों ना इसको भी कंप्लीट कराया जाए। इसका कुछ हिस्सा हमने 28 में देख लिया था, इसका जो परिचय था बेटा ये हमने लेक्चर नंबर 28 में देखा था। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 29 ये मिस है इस प्लेलिस्ट से, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया है कि जब हम लोगों ने विक्रांत बैच की शुरुआत की थी तो हम लोगों के पास 60 डेज थे, और एक चैलेंज के रूप में हमने लिया, और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम 60 के बजाय इसको 45-50 दिन में ही पूरा कर लें। तो लाइटनिंग अरेस्टर तड़ित चालक जो हमने जहाँ से हमने लेक्चर 28 में छोड़ा था वहीं से अपना स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, तड़ित चालक हमने कहा था कि लाइटनिंग अरेस्टर का काम है जो ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्शन यानी कि सुरक्षा प्रदान कर रहा था। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चैनल को थोड़ा सा शेयर वेयर भी कर दिया करें, साथ ही ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों की दिवाली बड़ी अच्छी गई होगी। तो आज शाम को मेरा ये भी प्लानिंग में है कि आप लोगों से काफ़ी कुछ लाइव आकर मुझे चर्चा भी करनी है, और आज मेरी काफ़ी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, काफ़ी क्लासेस मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोस्टैटिक वो सब भी दी है। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे शेरों शेरनियों, स्टार्ट करते हैं लाइटनिंग अरेस्टर। तो लाइटनिंग अरेस्टर हमने लास्ट में पढ़ा था कि यह ओवर वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, फिर बेटा हमें ये देखना है कि जो ओवर वोल्टेज से सुरक्षा ये दे रहा है तो कितने प्रकार के ये लाइटनिंग अरेस्टर होते हैं। तो बहुत ही बेसिक लाइटनिंग अरेस्टर हमारे पास होता है जिसे हम जानते हैं रोड गैप लाइटनिंग अरेस्टर, यानी कि रोड गैप तड़ित चालक। तो रोड गैप तड़ित जो चालक है उसे हम लोग लगाते हैं। देखिए जैसे बेटा यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ दिखाया गया है कि ये है, ये यहाँ पर बनाई गई है देखिए ट्रांसमिशन लाइन। तो एक ये ट्रांसमिशन लाइन या लाइन है, और नीचे देखिए ये रखा है ट्रांसफॉर्मर। ये जो दिखाया है बेटा पोर्सलिन का बना हुआ जो बुशिंग है, ये हमारा वही बुशिंग हो गया। आप लोगों को मैंने बताया भी था कि जो बुशिंग में आपको ये दिखाया गया है ये हमारा पोस्ट टाइप इंसुलेटर। आगे चलेंगे, देखिए प्यारे बच्चों हम लोग जो देख पा रहे हैं ये जो रोड लगाई है हमने, ये रोड जो हमने लगाई है ये लगभग होती है, ये रोड जो हम लोग लेकर चलते हैं ये लगभग हमारी होती है 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। तो जो रोड है 1.5 सेंटीमीटर के हम लोगों ने दो रोड यहाँ पर लिए हैं, बीच में हम लोगों ने रखा है गैप, बीच में हम लोगों ने बनाया है गैप। देखिए हमने लास्ट क्लास में बेटा ये भी देखा था कि जो तड़ित चालक है, जो तड़ित चालक है, तड़ित चालक कम वोल्टेज के लिए ज्यादा प्रतिरोध को दिखाता है या ऑफर करता है तथा ज्यादा वोल्टेज के लिए कम प्रतिरोध
रास्ता प्रदान करता है, रास्ता प्रदान करता है। रोड गैप तड़ित चालक में दो रोड एक लाइन के पास और एक टैंक के पास में हम लोग लगा कर रखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको ये भी नोट कराना चाहूँगा कि जो ये दूसरे वाला हिस्सा है, जैसे टैंक है, हमने कनेक्ट कर दिया, तो दूसरी साइड से हम इसे देखो अर्थ भी करके रखते हैं, ये भी याद होगा आपको। तो हम ये कहते हैं कि नॉर्मल स्थिति में, यानी कि जब तक कोई आकाश से बिजली ना गिरे, नॉर्मल स्थिति में जो रोड गैप है यहाँ पर ज़्यादा प्रतिरोध होता है और कोई भी यहाँ से जो भी धारा आती है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती। कुल मिलाकर रोड गैप में बहुत उच्च प्रतिरोध रहता है, यानी कि ये काम करता है खुला परिपथ के तौर पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कम वोल्टेज पर गैप एक खुला परिपथ के रूप में काम करता है तथा खुला परिपथ के रूप में काम करता है, इसका मतलब है देखिए उच्च प्रतिरोध। क्या काम करता है देखिए, उच्च प्रतिरोध दिखाता है, यहां से खुला परिपथ के तौर पर काम करता है, कम वोल्टेज पर गैप एक खुला परिपथ के रूप में काम करता है तथा जब आकाशीय बिजली गिरती है तो बहुत उच्च वोल्टेज लागू होता है, बहुत ही उच्च वोल्टेज लागू होता है तथा गैप एक बंद सर्किट के रूप में कार्य करता है, बंद सर्किट के रूप में कार्य करता है। बंद सर्किट के रूप में कार्य इसलिए करेगा क्योंकि उच्च वोल्टेज पर गैप में हो जाता है ब्रेकडाउन। गैप इसीलिए उच्च वोल्टेज के कारण उच्च वोल्टेज के कारण गैप में ब्रेकडाउन होने के कारण ही यह बंद सर्किट के रूप में कार्य करता है। अब जब बेटा गैप बंद सर्किट हो गया तो जो भी अतिरिक्त यानी कि जो भी आवेश होता है ये हो जाता है ग्राउंड। हम क्या कहते हैं, दूसरे सिरे को ग्राउंड
से जोड़कर रखते हैं क्योंकि इसी के क्या हो जाएगी, जो भी आकाश से बिजली गिरने से अतिरिक्त तो वोल्टेज का प्रभाव था वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग। दूसरे सिरे को ग्राउंड से जोड़कर रखते हैं तथा तथा उच्च वोल्टेज प्रभाव के कारण अत्यधिक आवेश को अत्यधिक आवेश को अर्थ में भेज दिया जाता है। देखो बेटा दिक्कत ये है, देखो आपने जो अतिरिक्त आवेश था उसका रास्ता ना डाइवर्ट किया है, बदला है रास्ता। होता क्या है, इसे देखे हम लोग, इसीलिए हम लोग लिखते भी हैं। हम जनरली जो तड़ित चालक है, तड़ित चालक को सर्ज डाइवर्टर के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई बेटा, तड़ित जो चालक है इसे सर्ज डाइवर्टर के रूप में भी जाना जाता है। देखो इसमें समस्या ये है, जो रोड गैप है, रोड गैप में ये समस्या है कि बिजली का जो प्रभाव है वो समाप्त होने के बाद भी यहाँ गैप में कंडक्टिंग पाथ बना रहता है, जिसके कारण नॉर्मल स्थिति में भी जो लाइन है वो ग्राउंड से जुड़ जाती है। क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार के तड़ित चालक में यह समस्या है, यह समस्या है कि आकाशीय बिजली प्रभाव समाप्त होने पर भी इसमें गैप में एक कंडक्टिंग रास्ता बना रहता है, रास्ता बना रहता है जिसके कारण लाइन नॉर्मल स्थिति में भी अर्थ से जुड़ जाती है, अर्थ से जुड़ जाती है। जो रोड गैप अरेस्टर है, रोड गैप अरेस्टर
रोड गैप अरेस्टर मुख्यतः मेन अरेस्टर को बैकअप प्रोटेक्शन के लिए उपयोग करते हैं। इसे हम मेनली वैसे डायरेक्ट यूज नहीं करते, इसे मेनली हम बनाएंगे भी वाल्व टाइप में एक बैकअप के तौर पर यूज किया करते हैं। तो मेनली रोड गैप को हम डायरेक्टली यूज करना प्रीफर नहीं करेंगे, इसे हम यूज करते हैं बेटा एक तरह से बैकअप के तौर पर। जैसे बैकअप के तौर पर मेनली जो हम करेंगे, वाल्व टाइप हमारा ऐसा है जिसे हम 33 से ज़्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक्सपल्शन टाइप ऐसा है जिसे हम 33 तक इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा रोड गैप टाइप, ये था हमारा एक रोड गैप टाइप लाइटनिंग अरेस्टर। आइए जी अपना नेक्स्ट चलते हैं। कमेंट वमेंट करके पढ़ाने से बेनिफिट ये है कि समय की बचत बहुत अच्छी हो जाती है, समय की बचत अच्छी होती है और पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। हो सके तो शेयर वेयर भी कर दिया करो, क्योंकि इस बैच में मेहनत बहुत लग रही है भाई। चलिए बेटा नेक्स्ट से हमारा नेक्स्ट आते हैं। आपने इस तरह की ये शेप देखी होगी, ये देखी होगी आपने, इन पोस्ट टाइप, ये क्या लगे हैं, पोस्ट टाइप इंसुलेटर के ऊपर। ये अभी पावर सिस्टम का जो पेपर हुआ था हमने इसमें भी दिया था। तो ये है हॉर्न गैप अरेस्टर। देखिए हॉर्न का मतलब होता है हॉर्न गैप। सींग देखे आपने ऐसे सींग के शेप में, तो बेटा ये सींग के शेप में मुड़े हुए हैं हॉर्न गैप। तो ये होता ये है, एक साइड से अगर मैं एग्जैक्ट बनाऊं इसे, तो देखिए एग्जैक्ट बेटा ये है कि ये एक साइड से इसे हम कनेक्ट करके रखते हैं। अगर इसका इक्वलेंट मैं आपको दिखाऊं तो हम कुछ इस प्रकार से रखते हैं कि एक साइड से तो हम लोग जिस भी, जैसे हम लाइन वगैरह को कर रहे हैं, हम लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं लाइन वगैरह को, या किसी डिवाइस को या अपरेटस को हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो ये होता है एल, फिर हम लोग आर जो करंट को लिमिट करता है, और फिर हम लोग बनाते हैं ये, और इस तरफ रखते हैं हम लोग ये पृथ्वी से। इस तरह का होता है। कई बार ये पूछ भी लेता है कि हॉर्न गैप के सीरीज में क्या क्या जुड़ा होता है, तो एल और आर जोड़ के रखते हैं, कई बार पूछ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें मेनली बेटा ये होता है, एक तरह से ये रोड गैप वाला ही है, लेकिन हमने एक छोटा सा ये काम कर दिया है इसमें कि देखिए गैप पहले तो कम है, जब ये ब्रेक डाउन करेगा गैप तो ये है। धीरे धीरे हमें ये पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ चलती है ना, कन्वेक्शन। तो अगर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो ये पाथ है यानी कि जो लंबाई है ये बढ़ गई है जी, और जैसे इसकी लंबाई यानी कि बीच की दूरी जो बढ़ गई, वैसे ही हमें ये पता है कि भाई प्रतिरोध अपना बढ़ गया। तो इसमें एक बेनिफिट ये है कि जैसे ही यह वैसे एक रूप है रोड गैप का ही, एक मॉडिफिकेशन ये बनाया है। बस इसमें ये एक एडवांटेज हमें मिला, ये हमें एक बेनिफिट बेटा मिला कि जैसे ही फॉल्ट क्लियर होता है या आकाश से बिजली का प्रभाव खत्म होता है, समाप्त होता है, इसमें तुरंत जो आग होती है, जो जो कंडक्टिंग पाथ बन रहा था
रोड गैप में ये तुरंत इसमें समाप्त हो जाता है। तो नॉर्मल अवस्था में इसमें आग नहीं लगी रहेगी, ये एक फ़ायदा मिल जाता है। लेकिन इसे भी हम बहुत ज़्यादा अपना इस्तेमाल नहीं करते, और इसमें दिक्कत यह है कि अगर इस गैप में कोई, जैसे हम कहें कि पक्षी वक्षी बैठ जाए इस गैप में कोई, तो फिर इसमें तकलीफ़ हो जाती है, फिर ये भी एक्यूरेटली काम नहीं करेगा। तो जो हॉर्न गैप अरेस्टर कि अगर हम लोग बातों को लिखें तो हम कहेंगे यह रोड गैप तड़ित चालक का ही एक रूप है। इसमें भी एक सिरा लाइन से जुड़ा रहता है तथा एक सिरा पृथ्वी से जुड़ा रहता है, पृथ्वी से जुड़ा रहता है। इसमें रोड को इस प्रकार बनाया है कि गैप ऊपर की ओर बढ़ता रहे। इसमें नॉर्मल स्थिति में गैप में कंडक्टिंग पाथ बना नहीं रहता है। इसमें नॉर्मल अवस्था में कंडक्टिंग पाथ नहीं बना रहता। देखो जी, जैसे जैसे आर्क गरम होती है वैसे वैसे यह ऊपर की ओर उड़ती है तथा ऊपर वाले हिस्से में गैप अधिक होने के कारण प्रतिरोध अधिक होता है तथा नॉर्मल स्थिति में गैप में आर्क नहीं होती। इसमें नॉर्मल की स्थिति में आग बेटा नहीं होगी। चले देखिए, इसमें जो गैप हम बनाकर रखते हैं, लिख लेते हैं, इसमें नहीं लिख लेते, इंपॉर्टेंट है बेटा ये, इसमें गैप लगभग 3
एमएम टू 5 mm बनाते हैं। जैसे गैप पूछ लिया, यह भी नॉर्मली हम लोग बैकअप के तौर पर ही इसका यूज करते हैं। कई बार इसे हम लोग 11 kV लाइन में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसमें लिख भी लेंगे 11 kV लाइन के लिए यूज कर लेते हैं आप इसे, और बड़ी लाइनों में जैसे लिखे हैं एक्स्ट्रा वोल्टेज के लिए यह बैकअप प्रोटेक्शन में यूज होता है। देखिए बेटा, एक और आप देख पाएंगे, एक होता है हमारा मल्टी गैप अरेस्टर। मल्टी गैप को हम लोग 11 kV 33 लेकिन 33 से ज्यादा के लिए यूज नहीं करेंगे। मल्टी गैप इसमें इंपॉर्टेंट देखो 33, इसमें सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इसे 33 kV से ज्यादा वोल्टेज पर यूज करना यूज नहीं करते, ऐसा लिखो, यूज नहीं करते हैं इसे 33 kV से ज्यादा वोल्टेज पर यूज नहीं करते। इसमें बेटा हम लोग एक साथ कई गैप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हम लोगों ने अलग अलग ड्रम लेकर रखते हैं, जैसे ए जो गैप हमारे पास में बी और सी है, इसके क्रॉस में हमने लगाया संट, और ये जो आप देख पा रहे हैं ये हमने कर दिया यहाँ। देखिए होता यह है, जब आकाशीय बिजली गिरती है तो यह सीधा जो गैप है ए बी, बी से सी, सीधा ब्रेक डाउन हो जाता है, ये सीधा ब्रेक डाउन हो जाता है। ओके जी, अब देखिए लाइन से, हाई लाइन से तो ये जुड़ा है, और अर्थ साइड पर ये पॉइंट है, अर्थ पोटेंशियल पर क्या है, पॉइंट बी है। जब वोल्टेज नॉर्मल स्थिति में आ जाती है या आकाशीय बिजली का प्रभाव समाप्त हो जाता है, तो होता यह है कि पहले बी और सी में, क्योंकि अर्थ पोटेंशियल पर यह है, तो होता यह है नॉर्मल की स्थिति में कि ये सीरीज रेजिस्टेंस और फ्रंट रेजिस्टेंस एक साथ मिलकर, जैसे यहाँ लिख लेते हैं, ये काम करते हैं, ये R1 ओम है, ये R2 ओम है, ये काम करते हैं अब सीरीज में। और बेटा ये जब सीरीज में काम करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है रास्ते में, यानी कि जो करंट बह रहा था, पहले करंट जाएगा सीधा, इसको समझिए, क्योंकि करंट सीधा इसलिए रास्ते को पकड़ेगा कि बहुत उच्च वोल्टेज है, तो करंट सीधे ए से बी, बी से सी रास्ते को पकड़ेगा। ये तब है जब आकाशीय बिजली गिरी, जब आकाशीय बिजली के गिरने पर, फिर आकाशीय बिजली का जो प्रभाव है वो समाप्त हुआ, इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो ये गैप है इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा,
और अब सिर्फ आग ये है, नॉर्मल की स्थिति में क्या है, आग इसमें है, इसमें क्लियर हो गई, तो जो आर वन और आर टू है ये हो गई जी सीरीज में। तो अब बहुत ही उच्च प्रतिरोध इसके रास्ते में आया, तो जो ए से बी था, जो ए से बी गैप है, वो उसमें भी आग या आर्क आपकी हो जाएगी समाप्त। लेकिन यही है कि मल्टी गैप तो बना दिया इसको बनाने, लेकिन 33 केवी से ज़्यादा पर यूज़ करना आप सही नहीं समझेंगे, ना ही आप यूज़ करेंगे। चलिए जी, तो इसमें ज़रा महत्वपूर्ण पॉइंट को जोड़ेंगे। इसमें जब आकाशीय बिजली, इसमें जब लाइन पर आकाशीय बिजली गिरेगी तो यह ए बी सी, तो ऐसा लिखेंगे, तो गैप ए बी व गैप बी सी ब्रेक डाउन हो जाएगा और धारा सीधे रास्ते को फॉलो करती हुई अर्थ में पहुंच अर्थ में पहुंच जाएगी। बाद में संट वे यानी बाद में आर वन वे आर टू दोनों मिलकर एक साथ श्रेणी में मिलकर काम करेंगे, वह धारा को नियंत्रित करेंगे और इस प्रकार ए बी में भी आर्क समाप्त हो जाएंगे। जी, हमारा मल्टी गैप लाइटनिंग अरेस्टर। प्यारे बच्चों, एक और है जो कि काफ़ी फेमस भी रहा है, ये लाइटनिंग अरेस्टर है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सर्ज, ये तो सर्ज डाइवर्टर है, जितने भी अरेस्टर हैं इन्हें हम लोग सर्ज डाइवर्टर के नाम से भी जानते हैं। एक बहुत ही मस्त और होता है जिसे कहा जाता है सर्ज एब्जॉर्बर। तो सर्ज डाइवर्टर का काम है, देखिए, रास्ते को बदलना, डाइवर्ट कर देना। और एक है हमारे सर्ज एब्जॉर्बर, जो कि जो सर्ज ऊर्जा है, काशी बिजली गिरी जो ऊर्जा है उसे एब्जॉर्ब कर लेना, खपत करना। एक और है बड़ा प्यारा सा, जिसे नाम दिया है एक्सपल्शन टाइप,
लाइटनिंग अरेस्टर जो एक्सपल्सन टाइप लाइटनिंग अरेस्टर है, इसमें कुल मिलाकर हम लोग जो रखते हैं प्यारे बच्चों, ये दो प्रकार के, मैंने कहा था ना कि जो रोड गैप है जनरली, ये किसी अन्य के लिए एक बैकअप के तौर पर काम आ जाते हैं, किसी अन्य के साथ मिलकर बड़ा अच्छा रिजल्ट देता है। तो हमने एक्सपल्शन जो बनाया, देखिए इसे प्रोटेक्टर तड़ित चालक भी इसे प्रोटेक्टर तड़ित चालक भी कहते हैं। इसमें जनरली हम लोग दो इलेक्ट्रोड लगाकर रखते हैं प्यारे बच्चों, एक है ये और एक है ये इलेक्ट्रोड। वो भी क्या खोखले, और पास में ये भरकर रखते हैं। देखिए हम फाइबर, फाइबर होती ये है कि गैस जरूर बनती दिखेगी तुम्हें फाइबर के जलने से, या ये कहें कि जब फाइबर में बहुत ही उच्च करंट बहेगा तो फाइबर डिकम्पोज हो जाती है, जो गैस आएगी ये बहुत तेजी से जो इलेक्ट्रोड हमने खोखले वाला है अपना इससे निकल जाएगी। तो ये आपने गैप बना रखा है ना, हमने कहा ना खोखला टाइप है। इसमें समस्या ये है कि इसमें हर एक ऑपरेशन के बाद में आपको कुछ फाइबर को बदलना पड़ता है। हम क्या कहेंगे, देखिए इसे प्रोटेक्टर तड़ित चालक के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा जी, फिर दूसरा है कि इसे भी इसे भी 33 KV तक ही यूज करते हैं, इसे भी हम लोग सिर्फ 33 KV तक ही यूज करेंगे। अच्छा जी, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड रोड गैप से जुड़ा होता है, जुड़ा रहता है, तथा नीचे वाला पृथ्वी से जुड़ा रहता है। अब इसमें आप लोगों को ये लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे आप ये समझ गए कि जब अतिरिक्त वोल्टेज होगी एक रास्ता मिलेगा, इसमें चलिए ये जरूर लिखें आप, इसमें प्रत्येक ऑपरेशन के बाद में कुछ फाइबर को बदलना
होता है। इसमें कुछ, इसमें प्रत्येक ऑपरेशन के बाद कुछ जो फाइबर है वो डिकम्पोज हो जाती है, इसे बदलना पड़ता है। यह लिखिए, आपका काम इतने में चल जाएगा। प्यारे बच्चों, एक होता है हमारे पास में वाल्व टाइप। वाल्व टाइप में हम लोग बहुत कई सारे मल्टीपल गैप बनाते हैं और नीचे लगा रखे हैं, देखिए हम लोगों ने नॉन लीनियर। अब देखिए, इसे 33 kV से ज्यादा के लिए यूज करते हैं तथा यह त्वरित चालक बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, प्रसिद्ध हुआ है। इसे हम खूब यूज भी करते हैं वाल्व टाइप को। इसमें बेटा ऊपर होते हैं कई सारे गैप, नीचे देखिए इसमें क्या लिखेंगे, पूरा एक पोर्सलिन की पूरे कवर में, ये पोर्सलिन के पूरे स्ट्रक्चर में बना कर रखते हैं। इसमें लाइन साइड पर कई गैप बने रहते हैं तथा अर्थ साइड पर यह नॉन लीनियर प्रतिरोध से जुड़ा रहता है। अब देखिए, जो नॉन लीनियर प्रतिरोध है, कई बार बेटा इसका मटेरियल पूछ लेता है कि जो नॉन लीनियर मटेरियल है वो किसके बने होते हैं, या नॉन लीनियर प्रतिरोध किसके बने होते हैं। नॉन लीनियर, नॉन लीनियर प्रतिरोध थायराइड व थायराइड व मेट्रो सिल के बने होते हैं। मेट्रोसिल के बने होते हैं। देखिए, कहने का तात्पर्य ये, अब तक हमने जो चीजें बेटा सीखी और पढ़ी हैं, अगर हम नजर मारे तो कुल मिलाकर हमें जो देखने को मिलता है, अगर हम त्वरित चालक की फाइनल बात करें कि भाई हम क्या चर्चा कर रहे हैं, तो एक रिजल्ट हमें मिला है और वो देखिए बेटा ये है। अभी ऑब्जर्वर पढ़ने से पहले जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव निकलते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, जैसे ये लाइन हमें दी गई है, तो अगर हम इक्विवेलेंट की तरफ चलें तो गैप होता है हमारे पास रहता है। अगर हम इक्विवेलेंट को समझने लगे और देखने लगे कि मामला है क्या, तो गैप होता है। और एक लगाकर रखते हैं हम लोग नॉन लीनियर रजिस्टर, नॉन लीनियर प्रतिरोध मतलब अरेखीय प्रतिरोध, और ये नीचे हो गया जी। देखिए अर्थ, ये मिल गया हमें, देखिए अर्थ,
तो कुल मिलाकर यदि हमें इक्वलेंट सर्किट बनाने को दिया जाए, ये क्या है जी, ये हमें दिया है गैप, तो इक्वलेंट सर्किट हमें यह मिल जाएगा बच्चों, ये हमें मिल जाएगा, देखिए इक्वलेंट सर्किट। तो देखिए नॉन लीनियर प्रतिरोध जो हम लगा रहे हैं, तो यही चीज से ऑब्जेक्टिव जो निकलता है कि कम कम वोल्टेज पर ज्यादा वोल्टेज, सॉरी कम वोल्टेज पर ज्यादा प्रतिरोध और ज्यादा वोल्टेज पर कम प्रतिरोध, ये देता है क्या, नॉन लीनियर प्रतिरोध, हमने जो कि ऑलरेडी लिखा भी है। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट बड़ा ही खास टॉपिक है, कई बार बच्चे करते भी नहीं और कई बार टीचर कराते भी नहीं, लेकिन जब हम ओवर वोल्टेज से सुरक्षा संबंधित बात कर रहे हैं तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि सर्ज अब्सॉर्बर का मीनिंग है क्या, ये भी हमें जानना जरूरी है भाई, तभी बात बनेगी। तो देखो बच्चों हम लोग चलते हैं, एक शब्द है सर्ज अब्सॉर्बर, जो सर्ज एक था डाइवर्टर जो कि हमने अभी जाना ही था, और एक था सर्ज अब्सॉर्बर। देखो डाइवर्टर यानी तड़ित चालक जो रास्ते को डाइवर्ट कर रहा था, ये सर्ज एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, देखिए यह है सर्ज ऊर्जा को एब्जॉर्ब करता है। देखिए इन्हें हम अलग अलग प्रकार से बनाते हैं, एक होता है बेटा ये कैपेसिटर टाइप, इसमें हम लोग ये करते हैं कि जो लाइन होती है और ट्रांसफार्मर क्या है, एक होता है कैपेसिटिव टाइप। देखो कितना मस्त और प्यारा सा टॉपिक है, कैपेसिटिव और एक होगा इंडक्टिव, एक होगा फेरेंटी सर्ज अब्सॉर्बर, बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं ये। तो प्यारे बच्चों जैसे ये लाइन है, आप देखते होंगे भाई लाइन है और यहां है ट्रांसफार्मर, तो हम लाइन व ट्रांसफार्मर के बीच में हम लोग एक कैपेसिटर लगाकर कर देते हैं उसे ऐसे पैरेलल में। तो देखिए कैपेसिटर में एक बढ़िया चीज ये है कि एक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, अब जब कैपेसिटिव की बात हुई है तो हमें देखना यह है कि कम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पर, नॉर्मल आवृत्ति पर यानी ये एफ या अधिक आवृत्ति पर ले लेते हैं ना, नॉर्मल आवृत्ति यानी कम पर एक्स सी ज्यादा होता है तथा अधिक
आवृत्ति पर एक्स सी बहुत कम हो जाता है तथा तथा सर्ज को कम प्रतिबाधा पाथ मिल जाता है। एक तो ये था कैपेसिटिव टाइप। देखिए एक और होता है प्यारे बच्चों, तेरे लिए आना है, देखिए एक होता है हमारा आरएल टाइप, तो क्या मस्त बनाते हो इसमें आप, ये है लाइन, लाइन के साथ सीरीज में इंडक्टर, ये है ट्रांसफॉर्मर, और भैया इसके साथ है पैरेलल में प्रतिरोध। अच्छा देखो ज्यादा आवृत्ति पर एक्सेल ज्यादा होगा तथा धारा प्रतिरोध से बहेगी, वह प्रतिरोध में सर्ज तथा प्रतिरोध में पावर डिसिपेशन होगा। हो गया जी पावर डिसिपेशन जो सर जुड़ जाती। एक होता है प्यारे बच्चों बहुत ही मस्त है, फेरंटी सर्ज एब्जॉर्बर, और या कहें ये काम करता है कुछ ऐसे जैसे सेकेंडरी शॉर्ट ट्रांसफॉर्मर। देखो क्या मस्त है भैया, इसमें हम क्या कर रहे हैं, लाइन के सीरीज में बना दिया एक एयर कोर ट्रांसफॉर्मर, वो इंडक्टर, एयर कोर इंडक्टर, और भैया यहां रख दिया देखो जी मेटालिक सीट, क्या रख दिया मेटालिक, यहां रख दिया हमने मेटालिक सीट। देखो यह मेटल का बना हुआ एक कंडक्टर, दिमाग में ये रखना है जो मेटालिक सीट हमने रखी है बेटा, जो मेटल की बनी हुई एक सीट हम लोगों ने यहां रख दी, ये काम करेगी ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी के जैसे।
यहाँ से ऊर्जा किस में डिसिपेट होगी, ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी में। तो ये रहता है हमारा फेरेंटी सर्ज एब्जॉर्बर। प्यारे बच्चों, ये कहानी थी हमारी अलग अलग प्रकार के लाइटनिंग अरेस्टर की। हो सके तो वीडियो को शेयर वेयर जरूर कर दिया करें, और बीच में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस थी, इस वजह से एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं थी। आज आप लोगों को सभी जो क्लासेस हैं उनके प्रॉपर नंबरिंग, प्रॉपर सीक्वेंस आपको मैंने अपडेट करके दे दिया है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट। बोलो बाबा केदारनाथ की जय।